इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। हाय फ्रेंड दोस्तों, मैं जितेंद्र, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बाथरूम वॉल टाइल्स कैसे लगा सकते हो, लगाने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप काम करोगे ताकि आपका काम दोस्तों सही प्रोसेस से होगा। क्योंकि आप YouTube पे ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो दोस्तों आपको सबसे अलग मिलेगा। इसमें आपको हर एक नॉलेज मिलेगा, हर एक जानकारी मिलेगा, हर एक टेक्निक मिलेगा, कहाँ पे किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग कहाँ करना, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना, क्योंकि ये जितेंद्र भाई आप लोग को हर एक जानकारी परफेक्ट देता दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जानते हैं ना जितेंद्र भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बाथरूम है मेरा, ठीक है, ये बाथरूम है, ये करीब 150 स्क्वायर फीट का एरिया है और हमें ये लगाना है। तो जब आप बाथरूम में काम शुरू करने के लिए जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस पॉइंट पे काम शुरू करना है। जैसे कि वहाँ सामने से जब अंदर की और झांकोगे तो आपको सामने से काम को शुरू करना है। जैसे कि ये दीवार आ जाता है, क्योंकि ये सामने आता है तो यहाँ से आप सामने से काम शुरू करते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाथरूम में आपका ऊपर का सेलिंग तो नहीं है, जैसे कि देखिए इसमें सेलिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये सेलिंग के हिसाब से अगर आप टाइल्स लगाते हो तो आपको 7 फीट टाइल्स लगाना है। तो 7 फीट में आपको क्या करना है, इसका लेपलिंग जो है ऊपर से आपको ले लेना है, ठीक है, इस प्रकार से फीता से नाप लेना है आपको, इस प्रकार से नाप ही ले लेना है। यहाँ पे जैसे कि लेबलिंग की है तो यहाँ पे मैं लेबलिंग लगा लिया हूँ, आपको ऊपर से लेना है। अगर आपका ऊपर का सेलिंग नहीं रहता तो आपको क्या करना है, नीचे से लेके चलना, नीचे से, क्योंकि आपका पानी का पॉइंट देखना है कि पानी का पॉइंट कहाँ पे है, वहाँ से आपको लेबलिंग उठाना, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना सबसे पहला नंबर ये। उसके बाद अब आप लेबलिंग जब उठा लेते हैं तो लेबलिंग उठाने वक्त एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कटिंग किधर देना है, क्योंकि अगर आप सामने के फेस में कटिंग दे देते हैं तो फिर बेकार लगता है आपको, आपको साइड में कटिंग देना है। तो साइड में कटिंग देने के लिए आपको टाइल्स इधर से आपको शुरू करना है, ठीक है, आगे की ओर से शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जैसे कि हमें ये टाइल्स को लगाना है, ठीक है, जब हमें टाइल्स को लगाना है तो ये लंबाई जैसे कि ये है 10 फीट का, ठीक है, ये लंबाई इसका 10 फीट है। तो आप क्या करना, अगर नीचे यहाँ पे टुकड़ा आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीट का साइज हाइट ऊंचा है तो यहाँ पे टुकड़ा आ रहा है 6 इंच के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 इंच लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा टाइल्स सही से लेबलिंग करने में, क्योंकि पहला पीस आपको सही से लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, इधर से नापी कर लेना है, ठीक है, इधर से नापी कर लेना ताकि आपका नीचे के फ्रेश पीस से आपको काम शुरू हो, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 पीस इधर कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे मार्का ले लिए हैं, अब यहाँ से हमें काम को शुरू करना। तो ये चीज़ में ध्यान रखना आपको, जब ये शुरू करते हैं तो आपको ये यहाँ पे देख लेना कि अगर आपका डिजाइन का टाइल्स है तो डिजाइन में लगाना, अगर नहीं तो प्लेन टाइल्स है तो आपको इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो को ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लेन टाइल है, इसमें अगर आप थोड़ा सा मिस करते हैं तो फिर बेंडिंग में समस्या आएगा, ज़्यादा बेंडिंग आएगा, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको मसाला लेना, जैसा कि देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप एक पीस लगा लेते हैं, लगाने के बाद आपको एक स्पिरिट लेवल रखना है, इससे आपको कंफर्म हो लेना, ठीक है, उससे पहले आपको एक लेबलिंग और कर लेना है, जो कि आपको धागा मार लेना है, इससे आपको कंफर्म हो जाइएगा कि हमें जो है सही प्रोसेस से काम होगा। अगर ये इसे लेबलिंग कर लेते हैं तो ये और कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अगला पीस आपको लगाना है, फर्स्ट वाले पीस को बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगाना है। तो आपको दोनों लेबलिंग एक बार इस प्रकार से चेक कर लेना है, इस प्रकार से, और उसके बाद आपको साउल में करना है, तो आपको साउल रखने की भी जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, इसी से आप इस प्रकार से साउल कर लेते हैं। अगर इस प्रकार से आप साउल कर लेते हैं तो आपका साउल परफेक्ट तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे ये साउल हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फंटी रखना है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरा 6 फीट का फंटी है, ठीक है, तो आपको इस एंगल में इसको चेक कर लेना है एक बार, ठीक है, इस प्रकार से चेक कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से आप चेक कर लेते हैं तो ये आपको पता चलेगा कि मेरा दीवार जो है आगे पीछे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहीं दीवार ऊंचा रहता है, कहीं आपको गड्ढा रहता है, तो वो हिसाब से आपको मार्जिन मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से चेक कर लेना, इस प्रकार से आगे पीछे करके कि कहीं मेरा दीवार सटेगा तो नहीं, इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। फिर आपको एक बार इस एंगल में चेक करना है ऊपर की ओर,
कि आगे जाके जैसे कि सट रहा, देख पा रहे हो ये सट रहा, तो आपको ये आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखिए इस एंगल में आपको फिर सही से सेटिंग कर लेना, समझ रहे हैं? अगर आप इस प्रोसेस से काम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपका दीवार में कहीं मिसगाइड नहीं होगा, आपको कहीं सटेगा नहीं, कहीं आपको बाहर नहीं बिकेगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं ना, जब प्लस्तर होता है तो कहीं दीवार सॉल में नहीं रहता, कहीं दीवार प्लस्तर टेढ़ा भी रहता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सॉल में टाइल्स कर दोगे तो दीवार ऊंचा नीचा रहेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस्तर पहले से किया हुआ है, तो आपको दीवार के हिसाब से चलना है कि जिस एंगल में दीवार है उस एंगल में आपको टाइल्स को ले जाना है, बात समझ रहे नहीं? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार से परफेक्ट तरीके से काम करना। अब आगे का प्रोसेस आता है कि कहीं टाइल्स बदगुनिया आ जाता है, तो कहीं पे आपको ज्वाइंट भाग जाता है, तो वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों कि आपको जब ये पीस लगा लेते हैं पहला पीस, तो आपको इसको बढ़िया ढंग से इसको जो है टाइट कर देना, ताकि ये हिले ना, क्योंकि अगर हिल जाएगा तो फिर लेवलिंग में दिक्कत हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये टाइट कर लेना आपको सूखा सीमेंट से, ताकि ये हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद जब अगला पीस आप लगाते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है, एक बार पहले इस प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है? इस प्रकार से इस एंगल में चेक करना है आपको, ये जो आप लेवलिंग करके धागा जो लगाया है उसमें से इस प्रकार से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको काम को फिर अगला पीस लगाना है। और एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, जब लंबा दीवार हो ना, तो आपको क्या करना है, बीच से ही काम को शुरू करना है, साइड से नहीं करना। बीच से करोगे तो आपका ज्वाइंट फिनिशिंग बढ़िया आएगा, अगर आप साइड से करोगे तो आगे जाके ज्वाइंट भागेगा, क्योंकि ये साइज देख रहे हैं दोस्तों 12-18 साइज है, यानी कि 1 फीट बाय 1.5 फीट का साइज है, छोटा पीस में ज्वाइंट भागता है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो आपको बीच से काम शुरू करते हैं तो दोनों तरफ जो है डिवाइड हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखते हुए करना है दोस्तों। टाइल्स में जब आप मसाला देते हैं तो आपको दीवार के हिसाब से देना है, क्योंकि प्लस्तर पहले से रहता है तो कहीं ऊंचा रहता है कहीं नीचा रहता है प्लस्तर, तो आपको क्या करना है, मसाला आपको दीवार के हिसाब से आपको टाइल्स पे लेना है। इस प्रकार से अगर आप लेते हैं तो आपका जो है मसाला सही ढंग से बैठेगा, आपका एयर भी अंदर नहीं रहेगा टाइल्स के नीचे, सारा खेल इसी में दोस्तों। अगर आप मसाला सही से लगाना सीख जाओगे ना, टाइल्स तो अपने आप लग जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको मसाला सही प्रोसेस से देख पा रहे होंगे किस हिसाब से मैंने दे रखा हूं। अब जब आप ये टाइल्स रखते हैं तो ध्यान रखना इसमें ज्यादा टच ना हो, आपको इशारा से पकड़ के लेके चलना इसको ससार से, ऊपर की ओर से, नीचे से नहीं, ठीक है? ये नहीं कि आप इसके बराबर से टाइल्स रखोगे तो ये ससरेगा, आपको ध्यान रखना है इससे कम से कम 1 इंच ऊंचा लेके चलना, उसके बाद आपको इसको ठोकना है। देखिए ऊपर से मैंने लेकर चला था, यहाँ पे आके फिक्स हो गया, आप छोड़ भी देंगे तो ये नीचे गिरेगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नीचे नहीं कुछ देने के वजह से टाइल्स ससर जाता है, लेकिन कहाँ ससर, आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया से परफेक्ट तरीके से ये बैठ गया। आप एक लाइन लगाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि फंटी को हमेशा एक लाइन आपको इस प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है? ताकि आपको ये सीधा दीवार हो, तो आपको ध्यान रखना है फंटी को चेक करना है एक लाइन में। आपको इस वीडियो में सारा चीज बताने वाला दोस्तों, हर एक जगह बताएंगे किस प्रकार से आपको कहाँ पे क्या करना है, जो ठीक है इस प्रकार से चेक कर लेना, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से सपोर्टिंग आपको दे देना, समझ रहे कि नहीं? नीचे से आपको सपोर्टिंग दे देना, आपको फंटी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, हल्का सा सपोर्टिंग आप दे देते हैं तो ये फिर आपको हिलेगा नहीं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक लाइन तो आपको नीचे फंटी देखना, दूसरा लाइन आपको ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो एक टाइल में आपको लाइनिंग में आपको फंटी देखते हुए जाना, ताकि आपका जो है ये दोस्तों दीवार सीधा से टाइल्स जाए, ठीक है? लेकिन दीवार सीधा हो, इस प्रकार से आपको फंटी देखते हुए जाना है, अंदर बाहर ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक लाइन इधर देखना और एक लाइन इधर देखना। अब इसमें दोस्तों जब आप लगाते हैं कहाँ बदगुनिया आता है, कैसे लिफ्ट करना है, उस तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में ध्यान से देखना है ताकि आपको अधिक से नॉलेज मिल सके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस टाइल्स में जो है बदगुनिया आ रहा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों सटा हुआ है, ये सटा हुआ है और ये सटा हुआ नीचे की ओर, लेकिन यहाँ गैपिंग आ रहा है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
इस प्रकार से मसाला आपको लेना है और आगे की ओर इधर भी आपको लगा देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उधर भी लगा देना और इधर भी हल्का गैपिंग आएगा, हल्का इधर भी गैपिंग आएगा। उसके बाद आपको ध्यान से इस प्रकार से लगा देना ताकि अगला पीस जब लगेगा तो दोनों एडजस्ट हो जाएगा, ज्वाइंट आपका भागेगा नहीं। समझ रहे ना, ये चीज को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है दोस्तों, फांटी आपको चारों बगल नचा के देखना ताकि आपको कहीं भी मिसगाइड ना हो। ठीक है, इस प्रकार से चारों बगल नचा के देखना है ताकि आपको कहीं भी सटे ना, ये हिसाब से लेके चलना है आपको।